Hey guys, welcome back to brand new vlog. दो दिन से vlog start ही कर रहा हूँ, पता नहीं record करने के लिए कुछ हो रहा नहीं, because बहुत काम थे बीच में, बहुत busy चल रहे थे दो दिन, and अभी हम घर में अकेले TV के सामने बैठे, हम भी vlog ही देख रहे अपने विकास भाई का, तो अभी मम्मी भी बाहर गई है, तो आज शायद थोड़ा मोटो vlog हो सकता है, सेकेंड टाइम हम मोटो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो माउंट प्रॉपरली फिट हुआ, क्योंकि उसमें से दो बार फोन गिर गया था, और गिरा मतलब हाथ में गिरा, बट बाइक चलाते चलाते भाई फोन गिर रहा है, सो थोड़ा इशू था वो चीज़ का, तो हम भी इनका ब्लॉग देख रहे हैं, ये अपना ब्लॉग चालू है और अपन भी ब्लॉग कर रहे हैं, और फोन की बैटरी थोड़ी डाउन है, तो एक काम करते हैं ऊपर चलते चार्जर लेके आते पहले। सो गाइस, हम अभी रूम में पावर बैंक को चार्जिंग को लगाने आए थे, क्योंकि हमारा जो आईफोन का प्लग था वो चोरी हो गया। अरे क्या आईफोन का कैमरा है, कैमरा केबल का अपना प्लग है वो चोरी हो गया, तो वो कारण की वजह से पावर बैंक अभी हर बार चार्जिंग को लगाना पड़ता है, लेना पड़ेगा नया खर्चा। और मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, पावर बैंक क्या बोल रहा अपना, ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है मेरा, आई डोंट नो नीचे रखा रहेगा, तो शायद आज ओम और खेत घर पे आएंगे, तो हम जाएंगे किधर तो भी, और मैं शायद ही बाइक निकालूंगा क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है। एंड हाँ, बाइक में मैंने नया एग्जॉस्ट डला है AEW का, बाइक अभी बहुत क्रेजी साउंड कर रही है, आपको दिखाता हूँ मैं शॉर्ट्स, स्क्रीन पे डालता हूँ मैं शॉर्ट्स उसके, आप बस बाइक को, बाइक का साउंड देखो, पॉप्स निकलते हैं यार, क्या पॉप्स, मतलब मेरे को ऐसा वर्थ लगा AEW का एग्जॉस्ट लगाना। एंड जो मेरे पास प्रीवियस जिनकी थी इंटरसेप्टर, हाँ मेरे अंकल की, तो उनकी इंटरसेप्टर पे भी AEW का एग्जॉस्ट था, तो वो टाइम से मेरे को मन में था कि जब इंटरसेप्टर लेंगे तो AEW का एग्जॉस्ट बिल्कुल एकदम ये था कि मैं एक दूसरे एग्जॉस्ट पे देखूंगा ही नहीं, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा अगर मेरे को चाहिए तो AEW बोल सकते बेस बहुत प्रॉपर है एग्जॉस्ट का, और सीन ऐसा है अगर आप क्लच दबा दोगे उसका तो साइलेंट हो जाएगी बाइक, तो बेस्ट पार्ट मतलब अभी ऑब्वियसली यार लाउड बाइक रहते तो जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो देख लेते हैं, तो रुकाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो चलाते चलाते आपको दिख गया अगर दूर से, आपका नसीब अच्छा रहा आपने क्लच दबा लिया, उनके सामने से ऐसे बिना आवाज़ के निकल जाती बाइक, तो उसका टेंशन नहीं। रेड रूस्टर थोड़ा अग्रेसिव साइड पे लगता है मेरे को, पॉप्स बहुत अति अति मतलब थोड़ा ज़्यादा फ्लेम्स और पॉप्स निकलते हैं, तो वो बहुत आई कैची है, प्लस ये कैसा मेरी बाइक के एस्थेटिक्स के साथ मैच भी कर रहा है, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का लगाया जो हीट रेजिस्टेंट है, बिकॉज मेरे पीछे बैठते रहते हैं ओम हेथ माई सिस्टर और कभी कभी माई मॉम, तो वही चक्कर में गलती से अगर पैर एग्जॉस्ट पे लग गया तो जो स्टेनलेस स्टील रहता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म नहीं होता, दैट इज हीट रेजिस्टेंट नॉट हीट प्रूफ ऑब्वियसली यार, इतना सा तो एग्जॉस्ट भी लगा है। आपको जो क्लिप आपने देखा मेरे को बस कमेंट करके बताना कि एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है, कैसा लग रहा है एग्जॉस्ट, और बाइक का फुल व्यू कैसा लग रहा है, तो एक काम करते हैं ओम और हेज जब आते तभी मिलते हैं, वैसे भी शाम के अभी कितना 5:50 हो रहे, ये आर और मिनट के हैंडल को नहीं देखना, वो थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो चलो सी यू, और अगर बीच में कुछ रिकॉर्ड करने लायक होगा तो करेंगे, क्योंकि मैं दो दिन से व्लॉग चालू कर रहा हूँ और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज दो दिन से इतना बिजी चल रहा है सब कुछ घर में, आपको क्या बताऊँ, कभी अगर फुर्सत मिली तो बताऊँगा। एंड ऑक्टाविया का रिव्यू इस यही कारण से डिले होते जा रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं है, तो एंड ऑक्टाविया में छोटे मोटे काम है
वो काम कर लेंगे एंड देन फुल इन डेप्थ रिव्यू बनाएंगे। टिल देन सी यू। सो गाइस वापस सेम एंगल सेम मिरर के सामने खड़े बाहर निकलने का पूरा प्लान हो रहा था। ओम और हेत आए भी थे बट फॉर सम रीजंस ओम के फादर ने उनको बुला लिया थोड़ा जल्दी जल्दी में, तो उनको निकलना पड़ा। कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, तो मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा कल सुबह तक। कल सुबह नया व्लॉग इन द सेंस ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे एंड फिर देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। कल शायद मोटो व्लॉग हो एंड मेरे को एक नया हेलमेट लेना है। एक हेलमेट है दिमाग में ऑलरेडी मेरे, एक्सर, अगर मैं बराबर बोल रहा हूँ, एक्सर करके कंपनी है, उसका डोमिनेटर हेलमेट लेना है। अगर मिल गया आई एम लकी इनफ सो आई ग्रैब वन। बहुत अच्छा हेलमेट लगा उसका, मतलब डोमिनेटर फेस शेप बहुत अच्छा लगा उसका मेरे को। सो आई सी वो हेलमेट बाय करेंगे मिला तो। एंड मेरे को एकदम ही ऐसा आउट ऑफ बजट नहीं जाना है, तो देखते नहीं, सिंपल बेसिक टिकाऊ। डोमिनेटर आई गेस थोड़ा सा महंगा है, कितना मैं प्राइस कोट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को उसका फिक्स्ड प्राइस पता भी नहीं है। जो अभी मेरा हेलमेट है वो रॉयल एनफील्ड से मैंने लिया है, मतलब मेरे को दिया गया है, तो रॉयल एनफील्ड वाला हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। बट देखते हैं, एक जगह पे नासिक में मिलता है, मेरे को पता नहीं, मेरा जो दोस्त है ओम वो मेरे को बोला कि भाई एक जगह मिलता है, मेरे भाई ने भी एक्सर का हेलमेट लिया बट उसने डोमिनेटर नहीं लिया, उसने अलग लिए। तो कल जा पाए तो कल जाते, हेलमेट भी देख के आते। मैं बहुत दिन से टंगा हुआ हूँ हेलमेट एक नया लेना है, बिकॉज क्या होता है मेरा एक हेलमेट में मेरे को अभी वो लगाना ही है, मेरे को माउंट परमानेंट फिक्स करना है। हाँ चुकी है नसीब, तो मेरे को माउंट नया लगाने का है। तो मैं बोला कि जो अपना आरी का हेलमेट है उसमें मैं माउंट लगा दूंगा, एक्सर का हेलमेट एज अ डेली यूज हेलमेट, एंड रॉयल एनफील्ड का हेलमेट बहुत हैवी है, तो वही हिसाब से एक्सर का हेलमेट मैं सोच रहा हूँ। सो लेट्स सी, मैं मिलता हूँ आपको कल, सी यू। सो हे गाइस वेलकम बैक टू नॉट अ ब्रांड न्यू व्लॉग, वही कंटिन्यू हो रहा है। सुबह के 7:50 हो रहे हैं बिकॉज इतने जल्दी उठने टाइम इसलिए, सिस्टर को ड्रॉप कर रहे थे रोज स्कूल, बोला अभी व्लॉग स्टार्ट करते, फ़ोन भी चार्ज दे, अभी जस्ट ड्रॉप किया सिस्टर को 10 मिनट पहले, तो घर पर पहुँच रहा हूँ। सुबह 7:50 में भी नासिक शायद नहीं है, मतलब गाड़ियों की चहल पहल है ही हर जगह, ये देखो। एंड गाड़ी में हमारे डीजल भी कम है देखो, तो ओ भाई मित्सुबिशी पजेरो भाई एजिस हो गए यार गाड़ी को देख के, अभी दिखती कहाँ है मार्केट में, क्या करें। हर गाड़ी का एक टाइम होता है, इसका भी एक टाइम चलता था गाड़ी, मतलब अलग अलग होते, फिर फॉर्च्यूनर आ गई, फिर मार्केट खाली है हमारा फॉर्च्यूनर, पर ठीक है, अच्छी चीजें आती हैं तो पुरानी चीज चली भी जाती है। तो अभी हम लोग घर पहुंचे, एक 2 मिनट में पहुंचेंगे क्योंकि हमारे घर की थोड़ा नजदीक है। हाँ हम घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। मेरे को यार मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा घर में, शायद गाड़ी में रखा होगा, वो देखता हूँ मैं, एंड आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। हम अभी थोड़ा सा बाहर गए थे एंड बाहर शूट करते नहीं आया बिकॉज फ़ोन की बैटरी आपको जैसे पता है ड्रेन आउट थी, तो अभी थोड़ा सा चार्ज हो अभी और फोन अराउंड 15% है। सो हमने ये चीज़ लाई, बहुत दिन से टंगा हुआ था कि हेलमेट ले रहा है एक अच्छा, बिकॉज रॉयल एनफील्ड के हेलमेट बहुत हैवी रहते हैं, सो वी बॉट ऑल्स हेलमेट फ्रॉम कंपनी एक्सर,
एंड ये हेलमेट थोड़ा स्पेशल है बिकॉज एज यू गाइस कैन सी इस पे लिखा हुआ है डीसी। मैं इतना यूज डीसी फैन नहीं हूँ बट ये हेलमेट लिमिटेड था एंड इट वाज बट ऑब्वियस बैटमैन तो लेना तो बनता है, बैटमैन कौन से लड़के को नहीं पसंद। सो बस एक सेकेंड मेरे को निकालने दो उसमें से। हेलमेट ये हमारा हेलमेट डीसी द बैटमैन लिमिटेड एडिशन एंटी फॉग वाइजर। ओके सो ये मतलब वहां पे बहुत ऑप्शंस थे। आई वाज प्लानिंग टू बाय अ हेलमेट कॉल्ड एक्सर डोमिनेटर। यहाँ पे आपको राइट साइड में उसका फोटो दिख रहा होगा तो वो हेलमेट मैं लेने का सोच रहा था बट हेलमेट लिया नहीं वो वाला बिकॉज जिसे उसको पहना हो थोड़ा सा सफोकेशन टाइप फील हो रहा था बट मेरे को वैसे कि थोड़ा टाइम बाद ले लेंगे वो हेलमेट। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो क्लासी लुक था, रेट्रो लुक था जो अपने को सूट भी करेगा और एज अ लाइट वेट हेलमेट और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे भाई हेलमेट में। कार्बन फाइबर हेलमेट था वो थोड़ा बजट के बाहर जा रहा था। सो ये हेलमेट मुझे पड़ा 6500 का। द मेन चीज़ मेरे को अट्रैक्ट करी इसकी बैग भी, इसकी बैग बहुत सेक्सी है डीसी की एंड क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है। एंड हाँ इन्होंने एक वाइजर फ्री दिया है उसके साथ ब्लैक। लोग बहुत बोल रहे होंगे इसमें क्या नया है बट हेलमेट ऐसी चीज है जो मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ बिकॉज बाइक अभी अभी आई है अपने पास तो हेलमेट का शौक अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा तो अभी वही चक्कर है। अभी ऊपर जाते हैं वर्कआउट करते हैं गाइस। ये पॉइंट पे ब्लॉग एंड करता हूँ मैं बिकॉज वर्कआउट कर रहा हूँ तो वर्कआउट थोड़ी बाकी मेरा एंड नया ब्लॉग भी स्टार्ट करना है तो वही चक्कर में। सो टिल देन स्टे ऑसम स्टे सेफ। I'll see you guys in the next vlog. Till then, bye-bye. और vlog इसलिए end कर रहा हूँ क्योंकि हमको नया vlog चालू करना है इस vlog के बाद जैसे fresh होके हम निकलेंगे वैसे। Okay? So, bye-bye.